दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और अपनी कंपनी के विकास के लिए ऐसे ट्रेनर्स को लेना बहुत जरूरी हो गया है। आज भारतीयों में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की मांग बढ़ रही है। बढ़ते ग्लोबलाइजेशन, मल्टी डायमेंशनल होती क्लाइंटेल ने कॉर्पोरेट सेक्टर की ऐसे ट्रेनर्स की जरूरत को बढ़ा दिया है जो उनके एग्जीक्यूटिव्स को सिस्टमैटिक ट्रेनिंग दे सकें। Few years before IT boom came. Now IT people recruits mostly technical people, BPO or any center. These technical people have very strong technical knowledge. Again where they were lacking, presentation skill नहीं है, communication skill बहुत weak है, बोलने में शर्माते हैं, software का पूरा ज्ञान है। अब इनको foreign client से deal करना पड़ता है, Indian client से भी deal करना पड़ता है, वो dealing वो नहीं कर पाते हैं। नेगोशिएशन स्किल नहीं है, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल नहीं है, सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग हेवली इन ट्रेनिंग्स। तो आज का जो समय आ गया है, जो कंपनीज अपने लोगों को ट्रेनिंग में एक्सपोज कर रही हैं, उन पर इन्वेस्ट कर रही हैं, वो कंपनीज तेज़ी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर्स अलग अलग कंपनीज के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं। इसके अलावा ये ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव के कार्य स्तर के अनुसार भी की जाती है और उसकी अवधि भी उसी के अनुसार तय होती है। इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग्स हम लोग नहीं करते हैं और फोकस इज ऑन पीपल स्किल्स, विच इज़ ऑल्सो हैज़ अ लेबल कॉल्ड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स और बिहेवियर ट्रेनिंग। हाउ पीपल बिहेव, हाउ मेनी डेज टू अटेंड, होम टू अटेंड, जनरली बाय एक्सपीरियंस बाय वर्कड आउट द डिफरेंट मॉड्यूल्स नीड मिनिमम वन डे और टू डेज और थ्री डेज। Some of them, for example, there is program like sales training. Now, sales training, if an individual has to acquire strong selling skills based on psychology platform, needs minimum of 2 days. However, it can be compressed also into a one-day program. So, by and large, whether it is stress management, we conduct time management, leadership, motivational skill, employee motivation, interpersonal relationship, sales mastery, presentation skills, by and large, all these modules can be covered in 2 days, morning to evening sessions. भारतीय कॉर्पोरेट जगत के हिसाब से कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ने अपनी अलग अलग मेथोडोलॉजीज भी डेवलप कर रखी हैं। जो एंट्री लेवल के लोग हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है कि वो अब काम करना सीख पड़े, लोगों से मिलना जुलना सीख पड़े और टीम स्पिरिट सीख पड़े, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल में है दैट इज़ एडवांस लीडरशिप, क्योंकि ये सब उनको मालूम ही है। अब उनको सिखाया जाता है ज़्यादा साइकोलॉजी, सो दोज ट्रेनिंग्स आर साइकोलॉजी बेस्ड। व्हाट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, हाउ टू डेवलप विजन, दे हैव टू हैंडल बिग प्रोजेक्ट्स, they are handling teams of 5,000, 10,000, 1 lakh people. So they are also taught on the technology of brain, how brain works, which are the different brain processors, how we can extract better work from other people, understanding their brain. Now these trainings are normally not given to people at lower level because they are just beginning to learn. These people are already very experienced. So it is at a very macro level. These trainings are at micro level on a particular module. For them, there is no particular module. It's on an advanced module based purely on psychology, understanding human behavior,
why people do when they do. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट ट्रेनर्स की मांग बहुत बढ़ेगी और ये एक संस्था का रूप ले लेगी।